जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें SP हिमाचल प्रदेश में जेल वार्डन की वैकेंसी आपका 91 फुल स्टाफ के लिए दी गई, जहाँ पर आपकी जो सैलरी है 12,120 रुपये पर मंथ होने वाली है। एंड आपका जो फॉर्म है 23 नवंबर से 20 दिसंबर तक फॉर्म जो है चलने वाले हैं। एंड आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। इसमें क्या क्या मांगा है, जनरल के लिए 200 रुपये फीस है, SC ST OBC के लिए 50 रुपये फीस यहाँ पर दिया हुआ है। तो वहाँ एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल है, SC के लिए 18 से 25 है, वही SC ST होमगार्ड के लिए आपका 18 20 से 28 है। तो यहाँ पर एज लिमिट अलग अलग दी गई है। एंड आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर अपना वैकेंसी देख सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी शो की गई है। एंड यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आपकी दिखाई गई है, आपका हाइट भी दिखाया 5'6" है, किसी में 5'4" है, वो आप अपना अलग अलग देख सकते हैं। एंड आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका 1500 मीटर की रेस 6:30 में दी गई है, वहीं हाई जंप आपका 1.25 मीटर है, ब्रॉन्ज जंप आपका 4 मीटर दिया हुआ है, फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस 4:15 में है, वहीं 1 मीटर का हाई जंप है, वहीं आपका ब्रॉड जंप आपका 3 मीटर का दिया हुआ। तो आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे, एंड आपको सबसे पहले क्या जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका ईमेल आईडी, तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है एंड फोन नंबर डालना होगा, उसका पासवर्ड आप जो चाहे वो पासवर्ड बना सकते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबर के मोड XYZ@123 इस तरीके का पासवर्ड आप नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड कन्फर्म कर देंगे एंड उसके बाद आपका जो है लॉग इन पेज खुल के आ जाए, यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर जो ईमेल आईडी आपने डाली थी, पासवर्ड डाला था, उसको डालने के बाद आपको साइन इन करना होगा। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको आपकी मेल पर एक लिंक आया होगा, लिंक डालने के बाद आपको एक्टिवेट करना होगा, मोबाइल पर OTP आएगा, उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा, आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको मोबाइल पर OTP आएगा, वेरीफाई कर लेना, यहाँ पर सारी डिक्लेरेशन दिखाई देनी है, आपको क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। जब तक आप क्लिक आप नहीं करेंगे तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या है सारी डिटेल क्लिक कर लेनी है एंड उसके बाद ही आप अपना सबमिट कर पाएंगे। तो आपको देखिए नॉर्मली क्या है कैसे अपना आवेदन बिल्कुल अच्छे से भरना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या आपको अपना नाम डाल देना है, उसके बाद पूछता है आपको फादर्स नेम, तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। एंड आपको पूछता है बॉडी मार्क्स, तो आपके कोई चेहरा पे तिल है या कट है तो वो आपको, या बॉडी पे कोई कट है तो वो डालना होगा। वहीं आपको आधार नंबर डाल देना है, आधार नंबर डालने के बाद इसको नीचे करना होगा। वहीं आपको अपना एड्रेस डाल देना है, आपको हाउस नंबर क्या है, ठीक है, गली नंबर क्या है, तो ये नॉर्मली आपको ये चीज़ें जो है डाल देनी है, आपका विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये आपको यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता है। करने के बाद आपको यहाँ पर किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो सिर्फ हिमाचल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड क्या है एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। वहीं पूछता आपको परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो सेम डालेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। एंड वहीं पूछता है एक्चुअल आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है, जनरल OBC SC ST, जिस कैटेगरी से आप जो है आप जो है बिलोंग करते हो वो कैटेगरी डालेंगे, एंड जिस कैटेगरी में आप जो है यहाँ पर किए अनरिजर्व में डालना चाहते हैं, किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं, तो आप जिस कैटेगरी में आपके लिए देखिए वैकेंसी नहीं है आप उस कैटेगरी में नॉर्मली नहीं डाल सकते हैं। तो आपको नॉर्मली यहाँ पर क्लिक कर लेना है, अनरिजर्व डालते हैं या होमगार्ड के लिए डालते हैं वो आपको डालना होगा। अगर होमगार्ड में आप जो है बिलोंग करते हैं तो होमगार्ड से, अन्यथा आप जो है नॉर्मली डाल देंगे। एंड आपको किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी अनरिजर्व कैटेगरी कर लेना है, या एक्चुअल जो आपका कैटेगरी दिया हुआ है यहाँ किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको डाल देनी है। डालने के बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपने जो है एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉयमेंट में आप नाम दर्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट यहाँ पे अपना नाम डाल, यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेयर एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड, जहाँ से आपने रजिस्टर्ड किया है वहाँ का नाम डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर किस डेट में किया है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या है 12th आपका किस बोर्ड से पास किया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट में इश्यू हुआ, उसके बाद आपके अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो करने के बाद आपको रिव्यू करना होगा। जैसे आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे
प्रीव्यू करेंगे तो आपकी सारी जानकारी चेक करने के लिए आ जाएगी। गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट फोटोग्राफ जो है लगाना होगा। तो देखिए फोटोग्राफ आपको लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए। ब्लर होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको नॉर्मली क्या है, सारा डाटा जो अच्छे से फिल करना होगा। आपको इस तरीके का फोटोग्राफ लगा लेना है। एंड वहीं आपको सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिग्नेचर भी लगाना होगा। लगाने के बाद आपको नीचे दिखाएगा आधार कार्ड पिक, तो आपको आधार कार्ड अपना अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए आपका आधार कार्ड जो है आपको अच्छे से अपलोड करना होगा। यहाँ पे कोई भी आपको गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपका सिग्नेचर पिक्चर देखिए, आप इनवैलिड सिग्नेचर पिक्चर विच शुड बी ग्रेटर देन हायर सिग्नेचर साइज आर लेस देन 50 KB। तो आपका कोई गलती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो है आपका कम साइज का है, ज्यादा का है, तो वो आपको सिग्नेचर जो है देखना होगा। तो सिग्नेचर आपको सही से अपलोड करना है, तभी आप जो है कर पाएंगे। उसके बाद आपको आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो आपको आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कर लिया, तो आप चेक करने के बाद जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेमेंट, तो आपको पेमेंट के लिए क्लिक करना होगा। पेमेंट करने के बाद ही आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म जो है कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपका जो है पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।